आज का जो ये उपनिषद का पोर्शन था, कठोपनिषद का, उसका हेडिंग था विनिंग इमोर्टालिटी, शाश्वतता के ऊपर विजय। तो गुरुजी ये कह रहे थे कि इतने दिनों से जो डेथ ऑफ लॉर्ड थे, वो नचिकेता को दो तरह की सूचना दे रहे थे। नचिकेता वॉज इंस्ट्रक्टेड टू थिंग्स बाय लॉर्ड ऑफ डेथ। तो एक सूचना ये दी गई लॉर्ड ऑफ डेथ से कि सेल्फ एफर्ट, आप उस जीवन मृत्यु के पर्यंत का ज्ञान जानना चाहते हो, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। एक तो स्व प्रयास बहुत जरूरी है, खुद का पुरुषार्थ, यानी जो गुरुजी कल के अध्याय से हमारे साथ बात कर रहे हैं, सेल्फ पुरुषार्थ करके हमें कहां तक पहुंचना है, हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा काबू आ जाए, नियंत्रण आ जाए। लेकिन क्या अकेली सेल्फ एफर्ट से वो ज्ञान या वो अनुभूति मिल जाएगी? तो लॉर्ड ऑफ डेथ कहते नहीं, अलोन सेल्फ एफर्ट कैन नॉट डू दैट। केवल स्व पुरुषार्थ से ही उसको अनुभव या पाया नहीं जा सकता, इसलिए दूसरी मेरी सूचना है कृपा, ग्रेस। एक तरफ सेल्फ एफर्ट और दूसरी तरफ कृपा, ग्रेस। तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। आप देखो, मेरे सामने देखिए, एक सीमित शरीर है, मेरा प्रोफाइल दिख रहा है कि इतना बड़ा फोरहेड है, नासिका है, कंधे हैं, वट एवर। इसी तरह हर बॉडी हमें दिखती है, शरीर का आकार दिखता है, लेकिन वो वास्तविक जो आकार दिख रहा है, वही शरीर में मन का कोई आकार नहीं है। करेक्ट, बॉडी हैज शेप बट माइंड हैज नो शेप। यानी हमारे भीतर कुछ चीजें वास्तविक हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी पकड़ से परे हैं। जैसे सांस, आप देखोगे ना, हमें बेसिक कोर्स में बताया जाता है, ब्रेथ इज मोर टेंजिबल देन माइंड। आप मन को काबू करना हो तो बड़ी एफर्ट लगती है, लेकिन सांस पर एटलीस्ट आप कंट्रोल कर सकते हो, लंबी सांस लेकर छोड़ सकते हो, कुछ क्षण अपनी कैपेसिटी से रोक सकते हो, क्योंकि सांस पर एटलीस्ट हमारा नियंत्रण है, क्योंकि वो वास्तविक है, अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, लेकिन मन तो किस क्षण में कहां जाता है पता ही नहीं चलता। यानी शरीर दिखता है, मन नहीं दिखता है। शरीर बदल रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता है, जो दिखता भी नहीं है, केवल अनुभव में आता है। यानी एक जो दिखता है और एक जो नहीं दिखता है, फॉर्म और फॉर्मलेस, रूप और अदृश्य या अरूप कह लो, आत्मा के रूप में। तो इसलिए हम वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारी रचना शरीर और मन के मिश्रण से बनी है, मन का कोई आकार नहीं है, शरीर का आकार है। तो आकार और निराकार, ये दोनों को यदि हैंडल करना हो तो एक ही नियम से आप दोनों को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए दो नियम से ही आप दोनों अलग अलग चीजों को नियंत्रण या चैनलाइज कर सकते हो। तो गुरुजी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे भाई शरीर के ऊपर आप काम करोगे, वर्कआउट करोगे, जिम में जाओगे, योगा करोगे, तो शरीर निरोगी के साथ यदि वर्कआउट करते हो तो स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, राइट? यू पुट एफर्ट एंड यू आर अचीविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी। लेकिन मन के स्तर पर ये प्रयास वाला नियम लागू करोगे, मन के साथ आप जितना प्रयास करते हो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, इसको मुझे भूल जाना है, भूल जा। आप जितना भूलने का प्रयास करते हो, वही चीजें मन में बैठ जाती है। तो शरीर आकारधारी है, उसके नियम अलग है उसको हैंडल करने के, और मन जो जिसका कोई आकार नहीं है, आत्मा जिसका कोई आकार नहीं है,
उसको हैंडल करने के रूल्स अलग हैं। गुरुजी ये कह रहे थे, एफर्ट मेक्स बॉडी स्ट्रांग एंड एफर्टलेसनेस से माइंड रिलैक्स हो जाता है। हम ध्यान में वही तो, जस्ट पुट योर ऑल एफर्ट्स असाइड एंड जस्ट रिलैक्स, साक्षी भाव में आ जाओ, मन के साथ झगड़ना छोड़ देते हो, मन के विचारों को पकड़ना या ढकेलना छोड़ देते हो, प्रयास छूटते ही मन रिलैक्स हो जाता है। लेकिन शरीर के स्तर पर प्रयास का नियम लागू होता है। ये विवेक बहुत जरूरी है। कौन सा विवेक? कि हम बने हैं शरीर और मन से, एक का आकार है एक का आकार नहीं है। इसलिए टू सेट्स ऑफ रूल्स, दो प्रकार के नियम से ही दृश्य और अदृश्य को आप हैंडल कर सकते हो। गुरुजी ये कह रहे थे। तो नचिकेता को लॉर्ड ऑफ डेथ ने ये कहा कि एक तरफ जैसे घोड़े की है ना, वो शील्ड ऐसी होती है, तो घोड़ा बस आगे की और इसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। इस तरह नचिकेता, इस ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो सेल्फ एफर्ट कर करके अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले आओ। और इंद्रियों पर काबू कैसे पाओगे? तो उसके भी उपाय बताए, थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन। देखो, हम सभी ने अनुभव किया है, जब से एटलीस्ट ये करना शुरू किया है, हम अपनी आदतों या हमारी वृत्तियों के प्रति ज्यादा सजग हुए हैं। करेक्ट? हम ऐसा नहीं कह सकते पूर्ण नियंत्रण आ गया है, लेकिन काफी सुधार जरूर हुआ है। जो आर्ट ऑफ लिविंग के पहले हम थे और अब में है, अभी है हम। तो पहले नचिकेता, तुम अपनी इंद्रियों पर काबू पाओ। जैसे एक घोड़े को ट्रेनर एक दिशा में दौड़ाता, इस तरह तुम एक ट्रेनर बन के अपने मन को ट्रेन करो। और दूसरा कहा साथ साथ में, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, बुद्धि पर भी तुम्हारा कंट्रोल आ जाए। भाई, बुद्धि पर कंट्रोल कैसे लाए? तो गुरुजी ने कहा कि बस जस्ट वेकअप, जस्ट वेकअप। आप देखो, जिस क्षण सजगता हुई, जगी, उसी क्षण राइट रॉन्ग का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? कई बार आप जीवन में से एक विपरीत समय से भी पसार होते हो, लेकिन वो विपरीत समय में भी जब अंदर से एकदम सजग होते हो तो ज्ञान अपने आप होने लगता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, आई शुड नॉट डू लाइक दिस, आई शुड विथड्रॉ माई सेल्फ। आप जिस क्षण जगते हो ना, उसी क्षण आप बुद्धि पर नियंत्रण पा लेते हो। जस्ट नीड ए कॉल, वेकअप, वेकअप, ये कॉल चाहिए बस बुद्धि को। बोला, आप देखो, एक एग्जाम्पल दिया गुरुजी ने, आप गहरी नींद में सो रहे हो और कोई आपके नाम से आपको जगाता है, ए कौन है, आप तुरंत जग जाते हो कि नहीं? यानी गहरी नींद, जिसको हम तमस है, इसीलिए हम सो पाते, सोना जरूरी भी है, लेकिन वो नींद में से भी एक स्नैप ऑफ फिंगर या कोई आपको आवाज देके बुलाता है, हम एकदम जागृत हो जाते हैं। यस यस, व्हाट, क्या काम है? पूरी चेतना उस समय एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? तो कहते, बुद्धि पर नियंत्रण के लिए खाली बस वेकअप, इट्स एन एफर्टलेस एफर्ट। ये कैसी एफर्ट है जिसमें कोई एफर्टलेसनेस है? खाली कमाल, खाली एक जगाते हो और बुद्धि एकदम सजग होके कुशाग्र बन जाती। आप देखो, कई बार बच्चों में ये कला बहुत होती है, वो ऐसे टेंट्रम्स रचते हैं। उन बच्चों को यदि अटेंशन चाहिए तो वो ऐसे ऐसे खेल खेलेंगे, टेंट्रम्स करेंगे, और हमें अपना अटेंशन बच्चों को देना ही पड़ता है। उनको पता होता है कि
मेरे पेरेंट्स की सजगता मेरी ओर कब खींचनी है, हाँ अटेंशन कब खींचना है। तो आप भले इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या मेहमानों के साथ बैठे हो, लेकिन बच्चा कुछ तो ऐसा करता और ध्यान खींच लेता है। इसी तरह बोले, जस्ट वेक अप, जस्ट गिव अ कॉल एंड योर इंटेलेक्ट विल बी यू नो अवेक, और वो सजगता में ही ज्ञान हो जाता है। तो नचिकेता को लॉर्ड ऑफ डेथ ये कह रहे हैं, पहले तो इंद्रियों के ऊपर काबू और फिर बुद्धि के ऊपर भी, एक हाइटेंड अवेयरनेस बुद्धि में बनी रहे। कैसे? तो वो तो खाली बस वेकअप कॉल देना है, उसके लिए कोई ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं। हमने कई बार अनुभव किया है जब हमारा कोई साथी घर में या हमारा फ्रेंड या वर्क प्लेस के ऊपर कोई कोई विचारों में मगन होता है, एकदम कहीं घर में कुछ हुआ उसके कारण वो एकदम से चिंताग्रस्त, वो विचारों में खोया हुआ है, और अब ए कहाँ खो गया, चल यार ए कहाँ है तेरा मन, आप ऐसा कह के एकदम उसको उस विचार से वो आदमी एक क्षण के लिए बाहर आ जाता है कि नहीं आता। ये ऐसी बात है, बुद्धि को जगाना खाली एक वेकअप कॉल चाहिए। यू हैव टू जस्ट शेक अप योर हेड एंड कम बैक। मन इधर उधर गया है, मैं इधर आ रहा हूं, अभी राइट नाउ, अभी सुनूंगा गुरुदेव ने जो कहा, अब हिंदी में बोला जा रहा है, लेट मी लिसन टू इट। ये प्रयोग अभी भी कर सकते हो। कम बैक, और इसी को बोध मात्र कहते हैं। ये शब्द बड़ा सुंदर है, प्योर अवेयरनेस कहते। जरा अपने आप से करके देखो, ये आपका मन यदि इधर, जस्ट गिव ए वेकअप कॉल, कम ऑन। प्योर अवेयरनेस में इस स्थिति को आध्यात्मिक भाषा में बोध मात्र कहते हैं। बोध मात्र यानी क्या? इट्स नॉट नॉलेज, इट इज नोइंगनेस। उसी क्षण में हमें ज्ञान अपने आप होने, आप नोइंगनेस की स्टेट में आ जाते हो। नोइंगनेस, नोइंगनेस इज ए क्वालिटी ऑफ सेल्फ। और ये कहते हैं नोइंगनेस जो है वो सेल्फ की क्वालिटी है। मैं कई बार मेरे डिस्कोर्सेस में ये कहता हूं, कोई भी गुरु कभी ज्ञान देता नहीं है। हम यदि ये समझते हैं कोई गुरु ज्ञान देता है तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। कोई भी गुरु ज्ञान देता नहीं है, गुरु अज्ञान दूर करता है। बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं? जब अज्ञान के बादल छटे, सूरज तो प्रकाशमान था ही, उसका अनुभव होने लगता है। तो ये ऐसी बात, जब वेकअप कॉल देते हो तो मन जहां फंसा है इमोशंस में या मन में विचार चल रहे हैं, वो बादलों की तरह हवा के साथ चले जाते हैं और अंदर से एक बोध प्रकट हो जाता है जो आत्मा का स्वभाव है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ये गुरुजी कह रहे हैं, विजडम इज ए क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं जो कह रहा था ना, विजडम यानी बोध, वो चेतना का, आत्मा का स्वभाव है। कोई बोध दे नहीं सकता। अज्ञान या तनाव दूर करता है गुरु आकर जीवन में, और जो बोध आपका स्वभाव है वो अभिव्यक्त होने लगता है, अनुभव में आने लगता। तो गुरु जी कहते हैं, ये कठोपनिषद जो लोग डायरेक्ट सुन रहे हैं ना, डायरेक्ट अभी इसी, जैसे ये कॉलेज कहूं, डायरेक्ट कॉलेज में बैठे हैं, शायद इनको ये ज्ञान क्लिक नहीं कर रहा होगा, लेकिन जिन्होंने कैन कैन या कैनो उपनिषद सुना है ना, उनको ये ज्ञान तुरंत क्लिक होगा। पता है पहला चैप्टर क्या था कैनो में? हु, व्हाट, हुम, वेयर, विच। जरा ये प्रश्न पूछो, हु पूछो ना, हु, व्हाट, वेयर, हाउ। आप जब ये प्रश्न पूछते हो ना रियल सेंस में, खाली मुख से नहीं, क्या हुआ यार, जब क्या कहाँ कैसे, जब ये शब्द बोलते हो आपकी चेतना उन क्षणों में कंप्लीट हो जाती है और वो अपलिफ्ट भी होती है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस?
कोई अचानक रात को आप गहरी नींद में सोए हो और अनएक्सपेक्टेडली कोई रात को 2 बजे बहुत नॉक करता और सडनली, अरे क्या हुआ भाई? आप जब इस तरह बोलते हो उस समय आप कॉन्शियसनेस की स्टेट देखोगे एज ए होल, वो पूर्ण हो जाती है। तो ये कैनो उपनिषद में इस पर पूरा चैप्टर है। तो ये गुरु जी कह रहे थे नोइंगनेस, बोध वो हमारा स्वभाव है, यू जस्ट गिव ए वेकअप कॉल। बोलिए तो ये सेंटेंस, विजडम इज अवर वेरी नेचर, जस्ट गिव अ वेकअप कॉल, दैट्स इट। कम ऑन, बोलिए तो अपने आप को कहिए, कम ऑन, कम बैक नाउ, नाउ। वो बोध रहे बस, और वो बोध में ही सारी अनुभूति हो जाती है। वो बोध आत्मा का स्वभाव है। नोइंगनेस इज द नेचर ऑफ नोअर, जो जानने वाला है उसी का स्वभाव है नोइंगनेस।